देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन देव है और ये वाक्य तब का है जब मेरा ट्रांसफर चंदोलपुर के थाने में हुआ था। दरअसल जब मैं थाने में पहुंचा तो मेरा सामना एक ऐसे कैदी से हुआ जो दिन में तो जेल में बंद रहता, लेकिन रात होते ही पता नहीं कैसे जेल का फाटक अपने आप ही खुल जाता और वो कैदी सीधा जेल से निकलकर वहीं के एक पुराने छोटे से अस्पताल में जाकर किसी से बात करता और फिर वो तकरीबन 2-3 घंटे के बाद वापस से जेल में ही आ जाता। उस कैदी का ये अजीब बर्ताव देखकर तो मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने वहीं के स्टाफ से इस बारे में बातचीत की तो किसी ने भी कोई खास वजह या सही जानकारी नहीं दी। पर हाँ, जब मैंने एक रात उस कैदी को जेल से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की तो मौके पर उपस्थित एक पुलिस कर्मचारी ने मुझे टोकते हुए बोला, अरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। जब मैंने अपने सहकर्मी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं उसे डांटते बोला, क्या बकवास कर रहे हो और ये सब क्या है, कौन मार देगी मुझे, साफ साफ बताओ। मेरी ऊंची आवाज़ से मेरा सहकर्मी सकपका गया और कुछ बताने की जगह वो सॉरी सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला गया। पर हाँ, अभी तक मुझे उस कैदी का कोई भी राज पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब एक दिन वो कैदी अपनी आंखों में आंसू लिए कुछ बड़बड़ा रहा था तो मैं उसके पास गया और पूछने लगा, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, और हाँ तुम रात को उस अस्पताल में क्यों चले जाते हो, और ये जेल का फाटक अपने आप ही कैसे खुल जाता है। अभी मैं इससे आगे कुछ और कहता कि उसने एक गंभीर आवाज में कहा, साहब मैं नहीं, वो खोलती है फाटक और वो ही मुझे अस्पताल में ले जाती है। इतना कहकर वो कैदी चुप हो गया। पर हाँ, मुझे उस कैदी की बातों से इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि जरूर ये कोई ऊपरी मामला है, वरना भला ऐसी हरकतें कोई क्यों करेगा। तभी मैंने अपने सहकर्मी को आवाज़ दी और 2 कप चाय और नमकीन लाने के लिए बोला, और जब चाय आ गई तो एक चुस्की लेते हुए मैंने उस कैदी से फिर से बोला, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ जेल में कैसे फंस गए, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। मेरी इतनी सी बात सुनते ही उस कैदी ने पहले तो मुझे एक टक घूरा और फिर चाय में एक घूंट भरने के बाद जाकर आंखों में भरे आंसू के साथ बोला, साहब मेरा नाम बलबीर है और मैं सिरसोई का रहने वाला हूँ। मेरी ये दशा तब शुरू हुई जब मैंने यहीं चंदोलपुर के एक छोटे से अस्पताल में रात को चौकीदार का काम पकड़ लिया था। और इसके बाद उस कैदी ने अपनी पूरी घटना का जिक्र करते हुए आगे बताया कि लोग कहते थे कि वो एक भूतिया अस्पताल है। पहले तो मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि ये सब बकवास अफवाहें होंगी, मुझे सिर्फ नाइट शिफ्ट करनी थी। लेकिन उस अस्पताल की खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। पहले कुछ दिन तो मेरे सामान्य रहे, लेकिन फिर वहाँ पर अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। फिर एक रात जब मैं अपनी डेस्क पर बैठा था तो मुझे दूर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल मैंने सोचा कि शायद कोई और स्टाफ होगा, लेकिन जब उस ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस कदमों की ही आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। जैसे जैसे वो आवाज़ पास आई तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद अक्सर मुझे ऐसा लगता जैसे कि कोई मेरी नज़रों से बचकर मुझे देख रहा है। मैं जिस भी कमरे में जाता वहाँ की लाइट्स अपने आप ही बंद और चालू होने लगती। पर एक रात मैंने सुना कि एक बेड को खींचने की आवाज़ आ रही है, पर जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये अनुभव इतना डरावना था कि मैं पसीने से तर बतर हो गया। फिर एक रात जब मैं गार्ड रूम में बैठा हुआ था तो मैंने अस्पताल के सबसे पुराने वार्ड से किसी महिला की चीखने की आवाज़ सुनी थी। मैं हिम्मत जुटाकर उस वार्ड की तरफ गया तो वहाँ की एक बेड पर कोई आकृति बैठी हुई थी जो कुछ ही देर में धीरे धीरे गायब हो गई। अब ये सब देख कर मेरी तो रूह फिर से कपकपा गई, लिहाजन मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर अगले दिन मैंने अपने बॉस को इस्तीफा दे दिया और वहाँ से निकलते वक्त एक अनुभवी कर्मचारी ने मुझसे कहा, तुमने अच्छा किया जो अब जा रहे हो, यहाँ कोई लंबे समय तक नहीं टिकता है, और जो भी यहाँ पर रहा उसने वही देखा जो तुमने देखा है। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया तो मैंने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल में बिताए डरावने दिनों को मैं पीछे छोड़ चुका था। लेकिन असल में मेरी मुसीबतें अभी शुरू होने वाली थी।
उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तब भी मुझे असहज महसूस हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। मैंने इसे थकान समझकर अनदेखा कर दिया और मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आधी रात को मेरी नींद अचानक ही खुल गई और जब मैंने नजरें घुमाई तो कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और तभी मेरी नज़रें दरवाजे के पास गईं तो मैंने पाया कि वहां पर हल्की सी धुंधली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि अस्पताल में मैंने देखा था। मेरी सांसें एकदम से थम गईं क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और सोचने लगा कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बिस्तर के पास आ गई है। फिर अचानक मुझे किसी ने छुआ और उस स्पर्श ने मुझे कपकपा दिया। मैं हिम्मत जुटाकर आंखें खोलने की कोशिश करने लगा, पर मेरी आंखें जैसे जम सी गई थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, धीमी और डरावनी, कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। पर उस वक्त मैं बुरी तरह से डर गया था। किसी तरह मैंने हिम्मत कर अपनी आंखें खोल दी तो मैंने देखा कि कमरे में अब कोई भी नहीं था। पसीने से तरबतर मैं बिस्तर से जल्दी से उठा और लाइट जलाई तो सच में सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैंने सोचा शायद ये सब मेरा एक बुरा सपना था, लेकिन फिर कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि ये सब असल में हो रहा था। पर मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आकृति फिर से मुझे दिखने लगी। कभी शीशे में तो कभी कोने में तो कभी दरवाजे के पास खड़ी हुई होती, वो हर जगह पर होती थी, जैसे कि वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। दिन रात उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने मंडराता ही रहता है। फिर ऐसे एक रोज जब मैं सो रहा था कि तभी किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। जब मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने कमरे में नहीं था, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं उसी पुराने भूतिया अस्पताल के अंदर खड़ा था जहां मैं कभी नौकरी करता था। ये समझना मुश्किल था कि मैं यहां पर कैसे पहुंच गया था, लेकिन अस्पताल की सड़ी गली दीवारों और पुराने उपकरणों की गंध से मैं तुरंत पहचान गया कि ये तो वही जगह है। मैंने घबराकर बाहर निकलने की भी कोशिश की, लेकिन अस्पताल के हर दरवाजे बंद थे। तभी मुझे पीछे से एक डरावनी और धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कुछ करना होगा, बस एक गड्ढा खोदो। उस धीमी आवाज़ को सुनते ही मैं बुरी तरह से कांपने लग गया, लेकिन मेरी आंखें जैसे खुद पे खुद उस आवाज़ के सोर्स को ढूंढने में लग गईं। फिर मैंने देखा कि वही धुंधली आकृति फिर से मेरे सामने खड़ी थी। वो एक औरत थी जो पहले भी मुझे कई बार दिख चुकी थी। उसने धीरे से मेरे पास आकर इशारा किया कि मैं अस्पताल के कोने में जाऊं, पर मेरे पैर जैसे खुद पे खुद उसकी बात मानने लगे थे। वो मुझे एक कमरे में ले गई जहां जमीन पर एक जगह साफ दिख रही थी, मानो उसे खोदने के लिए पहले से ही तैयार किया गया हो। वहां कुछ औजार भी रखे हुए थे, एक फावड़ा और एक कुदाल। उस जगह पर पहुंचते उस महिला ने फिर से वही कहा, खोदो इस गड्ढे को साहब। तभी मैंने हिचकिचाते वो फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया कि मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरी हथेलियों से खून बहने लगा, लेकिन मैं इतने दर्द में भी नहीं रुका क्योंकि वो औरत लगातार मेरे पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें भी टपक रही थी और साथ ही उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान भी थी। जैसे जैसे मैं और गहराई में खोदता गया कि तभी मिट्टी के साथ कुछ सख्त चीज़ें उभरने लगी। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ पत्थर होगा, पर जब मैंने और खुदाई की तो मुझे एक इंसानी कंकाल दिखा। उस कंकाल पर पुराने सड़े गले कपड़े थे और उसकी उंगलियों में एक अंगूठी थी जो अजीब तरह से चमक रही थी। तभी वो औरत अचानक से बुरी तरह से चीखने लगी और कहने लगी, ये मैं हूँ, मुझे यहीं पर दफनाया गया था और अब मैं बाहर आना चाहती हूँ। उसकी इस बात से मैं बुरी तरह से घबरा गया और मेरे हाथ से वो फावड़ा छूट गया और मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो औरत तेजी से मेरी ओर बढ़ी और उसकी चीखें और भी ज़्यादा भयानक हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत मुझे झलकने लगी। और देखते ही देखते वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई और मुझसे बोली, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, पर तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी उसने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस अस्पताल की एक नर्स थी जिसे कई साल पहले यहाँ जिंदा दफना दिया गया था। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है
और अब तुम मेरे बदले का हिस्सा बनोगे। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं भागने की भी कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे भारी हो गए थे। वो औरत मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी ओर खींचने लगी। उसकी उंगलियों का ठंडा स्पर्श मेरे शरीर में एक सिरहन भर रहा था। तभी एक जोरदार झटका लगा और मैं गड्ढे में जा गिरा। मुझे लगा कि मैं कंकाल के ऊपर गिरा हूँ और उसकी ठंडक ने मेरी रूह को जकड़ लिया है। तभी अचानक से मेरी आंखें फिर से खुली तो मैंने पाया कि मैं तो अपने बिस्तर पर था, पसीने से तर बतर। पर सिर्फ ये एक सपना नहीं था, मेरे हाथों पर मिट्टी भी लगी हुई थी और बगल में वही फावड़ा रखा हुआ था जिससे मैं खुदाई कर रहा था। कमरे में वही अजीब सी ठंडक थी और दरवाजे के पास वही औरत दिखाई दे रही थी। तभी उसने धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है, तुम मुझसे कभी नहीं छुटकारा पा सकोगे। जब उस औरत ने मुझसे ये बोला तो मुझे लगा कि मुझे उस औरत को इंसाफ दिलाना चाहिए। मैंने सुबह होते ही पुलिस को इतला किया और वहीं अस्पताल के एक गुम कमरे में ले गया जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। वहां पर एक गड्ढा भी था और कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी जिसे देखते मेरा तो शरीर थरथराने लगा। तभी पुलिस ने मुझसे थोड़ी और पूछताछ की, लेकिन मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया। पर छानबीन के दौरान कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी और पुलिस ने भी इस केस को कुछ महीनों के बाद बंद कर दिया। लेकिन वो औरत मुझसे इंसाफ की गुहार लगाती है और मुझे वही अस्पताल में ले जाकर वही बात कहती है कि मुझे इंसाफ दो। पर मेरे बार बार पुलिस को परेशान करने पर उन्होंने मुझे ही दोषी करार कर जेल में डाल दिया है, जिसकी सजा आज मैं बेमतलब में भुगत रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है जो मैं साबित कर सकूँ कि वो औरत सच में मुझसे इंसाफ मांग रही है और वो हमेशा मेरे आसपास ही रहती है। दोस्तों, उस आदमी की बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने उस केस की छानबीन फिर से शुरू करवा दी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो कैदी बड़ी ही अजीब तरह का बर्ताव करने लगा, जैसे उसने अपनी दिमागी शक्ति खो दी हो और धीरे धीरे वो पागल हो गया। फिर एक रात जब वो देर रात जेल से बाहर गया तो फिर उसके बाद से वो वापस लौट कर ही नहीं आया। वो कहाँ गया, क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं पता चला। फिर मैंने भी वो केस बंद कर दिया और इस तरह से उस कैदी और उस महिला की भूतिया घटना की वो कहानी बस एक कहानी बनकर रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, गाँव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे और उसी जंगल में एक खंडर पड़ी पुरानी हवेली भी थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां रात के समय डायन रहती है जो लोगों को अपने हवस का शिकार बनाती है। मैंने इसे सिर्फ एक कहानी मात्र समझा और जब मैंने इसकी तहकीकात की तो खामियाजा मुझे झेलना पड़ा। तो दोस्तों, क्या है मेरी सच्ची दर्दनाक घटना, आइए जानते इसे और भी गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्यामलाल है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना आज से 13 साल पुरानी है। उस अंधेरी रात में जब मैं अकेला घर लौट रहा था तो उस समय अचानक ही मौसम बदल गया था। रात का अंधेरा बहुत ही गहरा था और चांद की चांदनी भी धुंधली सी हो गई थी। मैं जल्दी से पैदल ही घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक ही एक ठंडी हवा चली जो मेरे से जोर से टकराई। मुझे लगा कि शायद जंगल की ठंडक है और ये कुछ भी नहीं है, और ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी मैंने एक अजीब सी हंसी सुनी जैसे कोई दिल खोलकर हंस रहा हो। फिर मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया। और फिर जब मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा तो मैंने तेज कदमों से चलना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक एक छाया मेरे सामने आ गई और धीरे धीरे वो छाया एक इंसानी आकृति में बदल गई। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो एक महिला थी और उसके चेहरे पर एक विचित्र हंसी थी और उसकी आंखें भी चमक रही थी। मुझे देखते हुए उसने एक अजीब सी बात बोली, पहचान लिया तुमने मुझे। उसकी उस आवाज में एक खौफनाक मिठास थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर सा गया। फिर मैंने अपनी कांपती जुबान से बोला, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा और मैं तो बस यहाँ से घर जा रहा था। अभी मैंने बस इतना ही कहा था कि वो मुझे फिर से गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता कि उसके घूरने के डर से शब्द मेरे गले में ही अटक गए।
अब वो महिला धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ने लगी और उस महिला के करीब आते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी दिल की धड़कन और उसकी सांसें एक साथ चल रही हों। फिर देखते ही देखते सब कुछ एकदम से शांत हो गया और मेरी आंखों के आगे धुंधला पंसा छा गया और फिर मुझे एक जोर का चक्कर आया जिस वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक खंडर सी जगह पर था। जब मैंने डरते हुए ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो एक हवेली है जिसमें चारों तरफ अभी अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं है। तभी मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई तो वैसे मुझे एक अजीब सी ठंडक और भय का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब तरह के निशान भी थे और हवेली के हर कोने में रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था कि तभी अचानक ही एक छाया ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही डायन है जो मुझे वहाँ पर मिली थी और अब वो एक विकृत और भयावह रूप में है जिसकी आंखें चमक रही थी। तभी उस डायन ने एक खौफनाक हंसी के साथ मुझसे बोला, आप तो मेरे जाल में फंस चुके हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ध्वनि थी। तभी मैंने पूरी ताकत लगाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। डायन ने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू किया। उसकी अजीब शक्ति ने मुझे बहुत ही कमज़ोर कर दिया। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से निर्बल महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने हार मानने के बजाय एक योजना बनाई। मैंने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला जिसे मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, जो बुरी शक्तियों से बचाने के लिए जाना जाता था। डायन ने जैसे ही तावीज को देखा उसकी हंसी और खौफनाक रूप में थोड़ी सी फूट दिखी, लेकिन वो तुरंत ही अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर फिर से मुझ पर हमला करने लगी। मैंने तावीज को पूरी ताकत से डायन के सामने रखा और उसके जादुई प्रहार को रोकने की कोशिश की। तावीज ने चमकना शुरू किया और एक तेज प्रकाश के साथ डायन की शक्ति कमजोर होने लगी। डायन चीखने चिल्लाने लगी और हवेली के अंधेरे कोने में वो कहीं गायब हो गई। उसकी उपस्थिति और शक्ति धीरे धीरे मिटती चली गई और अब मैं भी पूरी तरह से थक गया था, लेकिन राहत की फिर मैंने सांस ली। मैंने तुरंत ही हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया और सुरक्षित घर लौट आया। फिर जब मैं घर लौटा तो मुझे अब एक अजीब सा महसूस होने लगा। हर रात जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरी आंखें एक अंधेरे सपने में खुलती। सपने में हवेली की डायन मेरे बिस्तर पर बैठी होती। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक होती और उसकी चुप्पी की गहराई मेरे दिल को डरा देती। हर रात उसकी उपस्थिति मेरे सपनों में गहराई से समा जाती। मैं महसूस करता कि मैं अपने बिस्तर पर बेतहाशा कांप रहा हूँ, जबकि डायन मेरे पास बैठी रहती। वो मुझसे कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और उसकी ओर से आती हुई ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर को सिरहन पैदा कर देती। फिर मैंने एक रात ठान लिया कि मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूँगा। जब मैं फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने खुद को गहरी नींद से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। जैसे ही डायन मेरे सपने में आई, मैंने खुद को जगाने की कोशिश की। मैंने लगातार अपनी आंखें खोली और बंद की, लेकिन उस डायन की उपस्थिति बनी रही। उस रात मैं अपनी आंखें खोलते हुए बेतहाशा डर और थकावट से भरा हुआ था। डायन के साथ बिताए हर पल के डरावनेपन ने मेरे दिमाग में स्थायी निशान छोड़े थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की फिर से कोशिश की, लेकिन डायन की ठंडी उपस्थिति ने मुझे चैन की नींद से वंचित कर दिया। फिर अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी और कुछ ही दिन में मुझे अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये एक सामान्य बीमारी है, लेकिन मेरी हालत में सुधार ही नहीं हो रहा था। अस्पताल की रातें और भी ज़्यादा डरावनी हो गई, क्योंकि हर रात जैसे मैं आंखें बंद करता मेरी आंखों के सामने हवेली की डायन आ जाती और उसकी आंखों की चमक और उसका वो भयानक चेहरा मेरे सपनों में आता और वो मुझे धीरे धीरे घेर लेती। फिर एक रात जब मेरी आंखें आधी खुली थी और मैं बेहोशी की अवस्था में था, तो मैंने महसूस किया कि डायन मेरे अस्पताल के कमरे में है। उसकी खौफनाक उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा और डरावना बना दिया था। उसने धीरे धीरे अपनी लंबी उंगलियाँ मेरी ओर बढ़ाई और उसकी नज़रें मेरे दिल में गहराई से समा गई। फिर मेरे चीखने की आवाज़ ने नर्सों को कमरे में बुला लिया, लेकिन जब वो मेरे पास आई तो वो डायन वहाँ से अचानक ही गायब हो गई। वो मुझे आश्वस्त करने की कोशिश करती, लेकिन उस डायन का डर मेरे दिमाग में इतना गहरा छा गया था कि मैं दिन रात उसी कसम कसम जीता।
फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी हालत के बारे में घर वालों को बताया, लेकिन वो मेरी बातों को गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे। जब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हुई और मेरी चीखें और आहें बढ़ती गईं तो घर वालों ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने मुझे अस्पताल से घर पर ले आने का फैसला किया और साथ ही मुझे एक तांत्रिक के पास ले जाने का भी निर्णय लिया। तांत्रिक के पास पहुँचने पर घर वालों ने मेरी स्थिति के बारे में उन्हें बताया। तांत्रिक ने मेरी आंखों में देखा और तुरंत ही वो समझ गया कि मेरी परेशानी सिर्फ एक साधारण बीमारी नहीं है। उसने मुझे एक कक्ष में ले जाकर कुछ धार्मिक वस्त्र पहनाए और विभिन्न तंत्र मंत्र और पूजा अर्चना शुरू की। पूजा और तंत्र मंत्र के दौरान तांत्रिक ने मुझे बताया कि डैन की आत्मा मुझसे चिपक गई है और वो हवेली से बाहर आकर मेरे जीवन को बाधित कर रही है। तांत्रिक ने हवेली की डैन को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया। उसने मंत्रों और ताबीजों का उपयोग किया और हवेली की खतरनाक आत्मा को समाप्त करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का पालन किया। पूजा के दौरान कमरे में अचानक ही एक ठंडी हवा चलने लगी और तांत्रिक की आवाज़ वहां पर गूंजने लगी। मुझे महसूस हुआ कि डैन की उपस्थिति कुछ कम हो रही है। तंत्र मंत्र समाप्त होने के बाद मुझे आराम का एहसास हुआ और मेरी मानसिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर होने लगी। अस्पताल में वापस जाने के बाद मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। घर वालों ने मेरी बात मान ली और अब हम सभी समझ चुके थे कि हवेली की डैन केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक खतरा हो सकती है। दोस्तों, ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय समय था। तांत्रिक की मदद से और घर वालों की देखभाल से मैंने इस खतरनाक आत्मा को अपने जीवन से मुक्त किया, लेकिन उस रात का डर और हवेली की डैन का खौफ मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।